सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विशाल नाथ और आप देख रहे हैं यूआर वीएडिक्स चैनल। सो फ्रेंड्स, फिल्म जैसा कार ऑयल स्मोक इफेक्ट स्पेनिंग रील्स देखा है। सो इस वीडियो में मैं आपको कार ऑयल स्मोक इफेक्ट स्पेनिंग रील्स इजीली एडिट करना सिखाने वाला हूँ। सो आपको बस वीडियो को स्किप किए बिना फुल एंड तक वॉच करना है। लेट्स स्टार्ट न्यू रील्स एडिटिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ से आपको रील्स साइज सिलेक्ट करना है, तो इसे मैं 9x16 साइज सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर टैप कर देना है। करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर पर प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको मीडिया के ऊपर टैप करना है और यहाँ से एक कार वाला वीडियो ऐड कर लेना है। यहाँ से आप बाइक भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ से मैं ये जो कार का वीडियो है इसे हम सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पेलेट कर देते हैं क्योंकि ये एक रील्स है, तो इसको हम एडिट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर स्पेलेट कर देना है। करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आगे आ जाना है। आगे आने के बाद यहाँ पर आपको प्लस आइकन के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ से आपको एक शेप लेना है, तो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर टैप कर देना है। करने के बाद इसे हम कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर आपको रीसाइज के ऊपर टैप करके इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देते हैं, तो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ से इसे ऐसे सेट कर दिया, तो यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ये जो शेप है इसको हम इधर से इसे स्पेलेट कर देते हैं, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने स्पेलेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो सर्कल है इसको हम कुछ मूव एंड ट्रांसफॉर्म करके हम कार के साथ एडजस्ट कर लेंगे। सो यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर टैप करना है और यहाँ से आपको रिसाइज के ऊपर टैप कर देना है। तो करने के बाद यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको साइज को छोटा कर देना है क्योंकि हमारा जो कार का टायर है उसके हिसाब से हम यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर लेते हैं। तो करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं जितना हमारा टायर है। उसके बाद यहाँ पर तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको की फ्रेम के साथ इसे एडजस्ट कर लेना है। सो मैंने वीडियो को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया, सो देख सकते हो। और यहाँ पर लास्ट में एक थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। सो यहाँ से ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। उसके बाद यहाँ से देख से तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो लेयर है इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, तो यहाँ से डुप्लीकेट कर देते हैं और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से टैप करके मार्क करेंगे और इसको भी हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको मर्ज कर देना है और ये जो आपको ग्रुप एंड मास्क वन है इसको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सो देख सकते हो, तो यहाँ से बैक कर लेते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप एंड मास्क वन के ऊपर टैप कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर टैप करना है। यहाँ से आपको रोटेट के ऊपर टैप करना है। यहाँ से आपको 0 डिग्री रोटेट देखने को मिलेगा। सो यहाँ से एक की फ्रेम ऐड करना है फर्स्ट में और लास्ट में, और एक की फ्रेम ऐड कर लेते हैं। और यहाँ से आपको ये जो सर्कल आपको देखने को मिल रहा है तो इसको आपको घुमा लेना है। तो यहाँ से मैं पहले घुमा लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको घुमा देना है। घुमा दिया, कुछ इस तरह से आपको घुमा देना है। उसके बाद बैक आ जाना है। सो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसका जो कार का जो वेल रिंग है वो हमने घुमा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है। यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको मीडिया के ऊपर टैप करना है और ये जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है स्मोक इफेक्ट, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना है और उसके बाद ये ग्रीन स्क्रीन का वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का वीडियो के ऊपर टैप करना है। यहाँ से आपको स्पीड के ऊपर जाना है, 2x स्पीड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसे स्पेलेट करेंगे, तो यहाँ से इसको कुछ इस तरह से इसे स्पेलेट कर दिया। पर आपको स्पेलेट करने के बाद यहाँ पर वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है और ग्रीन स्क्रीन का वीडियो के ऊपर टैप करना है।
यहाँ पर आपको इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, एड इफेक्ट पे टैप करना है। यहाँ पर आपको क्रोमा की को चूज कर लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप कर देना है और यहाँ से आपको थ्रेशोल्ड को कुछ इस तरह से ऐसे माइनस कर देना है। सो यहाँ से इसे मैंने ग्रीन टाइप का जो इफेक्ट है वो आपको देखने को नहीं मिल रहेगा, सो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसे ऐसे एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ से इसके ऊपर टैप करके कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। करने के बाद यहाँ से इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, सो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसे यहाँ से यहाँ पर एरो के ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट के ऊपर टैप कर देना है, एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर सेव कर लेना है और यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।